हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद पुनीता में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये जो है वो नवरात्रे का दिन है और मैं कर रही हूँ पूजा, मॉर्निंग की पूजा हो रही है। और हाँ, एक बात आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्रे। तो जो बुक था ना, यानी चालीसा की जो बुक है, वो चूहा काट लिया था। मतलब जब भी क्लीनिंग करूँगी ना, चूहा इतने सारे हैं घर में कि सारे जो वो मतलब जैसे कि पूर्णिमा व्रत का हो गया, जितना भी व्रत का किताब होता है, चालीसा वगैरह, सब चूहा कट कर दिया था। तो इसलिए मैं मोबाइल से पढ़ रही थी। आज है नवरात्र का पहला दिन, यानी कि 2 तारीख है, 2 अप्रैल है। मेरी पूजा हो चुकी है और ये जो होता है ना, अग्यारी दिखाया जाता है माता रानी को, वो साकला से, वो मैं कर रही हूँ। अब पूजा भी हो गई है, बच्चे भी नहा के पूजा कर लिए हैं और मैंने हाथ धुल लिया है। आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे जो है वो चाय पी के जाएंगे मंदिर और मैं बिना कुछ पिए खाए ही जाऊंगी। गुड मॉर्निंग, तो अभी हो गई है सो के नहीं उठी हूँ, रात भर सोने का ही, इसलिए मेरी आंखें ऐसी सूजी सूजी है। पूजा हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, मंदिर से आके मिलूंगी आप लोग से। खाना बन चुका है, मुझे बस व्रत के लिए बनाना है। चलिए चलते हैं मंदिर। तो यहाँ देखिए बज चुके हैं और अभी हम निकलते हैं मंदिर के लिए। मैंने बाल वाला ऐसे ही फॉर्म नहीं किया, बस ऐसे ही लगा ली हूँ, जैसे लग रहा है सो के उठी हूँ शीशे में। सच में एकदम लग रहा है सो के जा रही हूँ। फेस वॉश करके आती हूँ। अपने जाने वाले हैं मंदिर, हमारे पति चल रही थी एंड जी मेरा फुल जब भी छवि को कैमरा देती हूँ ना, तो कुछ इस तरह से वो अपना ब्लॉग बनाना शुरू कर देती है और कुछ फनी फेसेस बनाती है। तो मैंने सोचा कि आज ये आप लोग को दिखाई देती हूँ कि ये कैसे अपना फेस बनाती है। तो अभी मैं आ गई हूँ डी बाबा के मंदिर। और ये हैं हमारे हमारे एरिया के डीह बाबा। तो यहाँ पे पूजा होती है और बगल में शीतला माता हैं, तो उनका भी मैं पूजा कर लेती हूँ। श्री बाबा को धार चढ़ाने के बाद मैं आ गई थी अष्टभुजी माँ। और आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको इस मंदिर के बारे में पता होगा कि कोई भी मतलब तीज हो, त्यौहार हो, तो मैं इस मंदिर पे ही आती हूँ, क्योंकि पास में भी है और इनमें बहुत श्रद्धा है मेरी। मैं यहीं पे शुरू से ही, जब से रुपेश मतलब वो छोटा था, जब से मैं मतलब यहाँ इस एरिया में आई हूँ, तो इन्हीं के पास आ जाती हूँ। यहाँ आने के बाद बहुत शांति महसूस होता है। अभी नवरात्रि चल रही है, इसकी वजह से भीड़ है यहाँ पर यहाँ पे आप रेगुलर इतनी ही भीड़ देखोगे, इससे कम नहीं देखोगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो अभी मैं जाती हूँ प्रसाद लेने। साइड में यहाँ पे टेंट में वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो लोग प्रसाद भी देते हैं। और यहाँ पे मुंडन वगैरह हर फंक्शन होता है, शादी विवाह सब होता है इस मंदिर में, तो इसकी वजह से हमेशा यहाँ पे भीड़ जो है वो लगी रहती है। तो अभी मैंने प्रसाद ले लिया है और बच्चे बोल रहे थे मम्मी थोड़ा सा हम फिश देख लें, क्योंकि यहाँ पे एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है ये, तो इसमें फिश जो है, मछली जो है इसकी, इसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। लोग इसको मतलब बहुत लोग ब्रेड डाल देते हैं, बहुत लोग बिस्किट खिला देते हैं, तो वही बच्चे गए थे बिस्किट खिलाने मछलियों को। और ये मैं मंदिर का पूरा आपको दिखा रही हूँ कि मंदिर दूर से कैसा दिखता है। तो अभी देखिए रुपेश बोल रहा है कि मम्मी चलिए आप भी देख लीजिए मछली, देखिए कैसी तैर रही हैं सब। फिर उसके बाद आपको मेला दिखाऊंगी यहाँ का, कि यहाँ पे
ऐसा ही मेला हमेशा लगा रहता है, बस नवरात्रि में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कि फूल माला बेचने वाले लोग भी अपना एक दुकान डाल देते हैं। यहाँ पे बच्चों के खिलौने, बिंदी, चूड़ी, यही सब जो मेला में मिलता है वही सब मिलता है। फिर मंदिर के बाहर हम आ गए थे और वहाँ पे पी लेते हैं गन्ने का जूस, क्योंकि जब तक पूजा नहीं हुई थी तब तक मुझको बिल्कुल भूख नहीं लगा था। जैसे ही मैंने पूजा, मतलब मैं पूजा कर ली थी, उसके बाद से मुझे बहुत ज़ोर का प्यास लग गया था। इतना ज़्यादा गर्मी था, बिल्कुल चिलचिलाती धूप थी, तो प्यास मुझे लग गया था। तो ये बोले कि चलो तुम लोग को गन्ने का जूस पिलाता हूँ। तो आ गए हैं हम गन्ने का जूस पीने, और ये जो भैया हैं बहुत टेस्टी गन्ने का जूस बनाते हैं, बिल्कुल फ्रेश। आप जब पियोगे तभी निकालेंगे, अब पानी वगैरह नहीं, मतलब बहुत लोग होते हैं पानी डाल के पहले से रखे रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, आपके सामने ये निकालेंगे और आप, मतलब आपको देंगे। तो हम पी लेते हैं गन्ने का जूस और आप भी पी लीजिए। फिर मैं आ गई थी घर पे और इतना ज़्यादा मैं थक गई थी ना कि मैं आके आधे घंटे के लिए सो गई थी। फिर उठी हूँ तो हस्बैंड को दे रही हूँ लंच, और उनके लिए मैंने बना दिया था गर्मा गर्म आलू जो बॉयल किया था अपने लिए, उसमें से ही कचालू उनके लिए उनके नमक का बना दिया था। फिर मैंने किचन क्लीन किया, पूरा किचन क्लीन करने के बाद ही मैं अपना फलाहार बनाती हूँ। तो आ जाइए फ्रेंड्स, लग गई है थाली, आप लोग भी खा लीजिए, या फिर हस्बैंड ने भी लंच कर लिया था, बच्चे भी लंच कर चुके थे, आते ही वो लोग थोड़ा बहुत तो खा ही लिए थे और बोल रहे थे मम्मी जो आप बना रही हैं साबूदाने की खिचड़ी वो हम खाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो अभी देखिए मैंने जीरा जो है पहले भून के निकाल लिया था और फिर कढ़ाई में डाल दिया था घी। घी डालने के बाद मूंगफली का दाना मैंने डाला, मूंगफली आधी भून गई थी तो मैंने मिर्चा डाल दिया। मिर्चा और मूंगफली का दाना एक साथ भून गया था। फिर मैंने डाल दिया इसमें आलू, और अब मैं डाल दूंगी इसमें नमक, सेंधा नमक है ये जो व्रत में खाया जाता है, तो व्रत में हम यही इस्तेमाल करते हैं। और अच्छे से मिक्स कर लूँगी आलूओं में कि अच्छे से नमक जो है वो मिक्स हो जाएगा। फिर मैंने डाल दिया इसमें साबूदाना, और साबूदाना मैंने रात को ही फुला के रख दिया था। इससे ये होता है कि साबूदाना जो है बहुत अच्छी तरीके से फूल जाता है, और दिन में अगर करती ना तो फूलता भी नहीं, और जल्दबाजी में अगर मुझे बनाना पड़ता तो वो उतने टेस्टी नहीं लगते। और फिर मैंने डाल दिया इसमें धनिया की पत्ती और डाल दिया जीरा, भुना जीरे का पाउडर। तो निकाल लेती हूँ प्लेट में, आ जाइए आप लोग भी जो लोग व्रत हैं, और आप लोग भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, आप सभी को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।